तारे सितारे एवं ग्रह नक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्म राशि का हाल। मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएँ जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य का राशिफल नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल दिनांक 28 अगस्त 2019 बुधवार के दिन का। तो आज के राशिफल के अनुसार आज का दिन जो है 12 में से 6 राशि वालों के लिए विशेष लाभदायक रहेगा। अन्य राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज संभल करके कार्य करना होगा। तो आज भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन समस्त विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को समर्पित है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से हर कार्य हमारे निर्विघ्न संपन्न होते हैं। तो भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के भी प्रदाता हैं। भगवान गणेश जी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए कुछ सरल उपाय बुधवार के दिन हमको करना चाहिए। तो भगवान गणेश जी का पूजन बुधवार के दिन दुर्वा से करना चाहिए। गणेश जी के बीज मंत्र ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक दुर्वा उनके ऊपर अर्पण करना चाहिए तो इससे घर में धन की कमी नहीं आती है। इसके अलावा मोदक का भोग भी विशेष करके भगवान गणेश जी को लगाना चाहिए जिससे हमारी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। और बुधवार के दिन घर में सफ़ेद गणपति जी की स्थापना करने से तंत्र शक्तियाँ दूर होती है, घर की नकारात्मक जो शक्तियाँ होती है उनका नाश होता है। और धन प्राप्ति के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को गुड़ और घी का भोग लगा करके वह गाय को खिला देना चाहिए तो यह उपाय करने से धन संबंधी सभी समस्याओं का निदान हो जाता है। और परिवार में यदि ज़्यादा ही कलह होता हो तो बुधवार के दिन दुर्वा के प्रतीकात्मक गणेश जी की मूर्ति बनवा करके या स्वयं अपने हाथ से बना करके अपने घर के देव मंदिर में स्थापित करें और प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक इसकी पूजन करें तो ऐसा करने से घर में ग्रह कलह नहीं होता है। और घर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश जी की मूर्ति लगाने से नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश घर में नहीं होता है, वास्तु दोष भी ऐसा करने से नष्ट होता है। तो इस दिन श्रद्धापूर्वक बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएँ शीघ्र पूरी हो जाती है। तो आज सूर्योदय होगा प्रातःकाल 5:56 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:47 पर। आज चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेगा। आज पुष्य नक्षत्र से दिन की शुरुआत होगी और व्यतिपात नाम का शुभ योग आज रहेगा। आज अभिजीत मुहूर्त तो उपलब्ध नहीं है। आज दुष्ट मुहूर्त तो अशुभ समय रहेगा, दिन के 11:56 से आरंभ होकर के तो 12:47 तक रहेगा। तो इस दौरान कोई भी शुभ या नया कार्य आपको आरंभ नहीं करना चाहिए। आज राहु काल रहेगा, दिन के 12:22 से आरंभ होकर के तो 1:58 तक रहेगा। तो इस दौरान भी आपको कोई शुभ या नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। आज दिशाशूल रहेगा उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको कोई शुभ नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। उत्तर दिशा की यात्रा भी नहीं करना चाहिए। यदि यात्रा करना आपको अति आवश्यक हो तो अपने इष्ट देवता का नाम उच्चारण करके यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आज चौघड़िया के अनुसार शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेंगे। प्रातः काल लाभ का चौघड़िया आरंभ होगा, 5:56 से आरंभ होकर के तो प्रातः 7:33 तक रहेगा। प्रातः काल अमृत का चौघड़िया आरंभ होगा, 7:33 से तो प्रातः 9:09 तक रहेगा। प्रातः काल शुभ का चौघड़िया आरंभ होगा, 10:45 से तो 12:22 तक रहेगा। और दिन में चर का चौघड़िया आरंभ होगा, 3:34 से तो शाम 5:11 तक रहेगा। और शाम को लाभ का चौघड़िया आरंभ होगा, 5:11 से तो शाम 6:47 तक रहेगा। तो इन शुभ चौघड़िया के अनुसार आप कोई भी शुभ मांगलिक कार्य आरंभ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की खरीदी या बिक्री का कार्य इन चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार आप कर सकते हैं जो आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। तो आज जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि के कारण 12 में से 6 राशि वालों को कार्य क्षेत्र में सफलता के योग हैं व अन्य 6 राशि वालों को आज सतर्क रह करके काम करना होगा। तो आज आपकी राशि के अनुसार कुछ सरल से उपाय भी आपको हम बताएंगे जिससे आपकी समस्याओं का समाधान होगा
और हर कार्य आपके निर्विघ्न संपन्न होंगे। तो अब जानिए अपनी राशि के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं। मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि बहुत सारे सामाजिक मिलनसारिता के कार्यक्रम में आप सम्मिलित हो सकते हैं और कुछ अच्छे लोगों के साथ घूमने फिरने और मिलने का आनंद आज आपको आएगा। आज अच्छे अवसरों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। इस समय सबसे पहले अपनी रुचि आप रखें और फिर अन्य क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपके परिवार के सदस्यों के बीच बहुत से झगड़ों और बहसबाजी के कारण आपके परिवार में तनाव आज उत्पन्न हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा यह झगड़े काफ़ी कम हो जाएंगे और शांति से दिन आपका व्यतीत होगा। फिर भी आज अपने विवेक से आप घर में काम लेंगे तो बेहतर रहेगा। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो इस समय एक सहज प्रेम जीवन का आनंद आप नहीं लें। असहमति और तर्क वितर्क से गलत फहमी पैदा हो सकती है। बस कुछ समय के लिए आप शांत रहें, धैर्य रखें। आज घर में माहौल आप अच्छा बनाए रखेंगे तो बेहतर रहेगा। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो धन प्राप्ति के अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। निवेश की दृष्टि से दिन काफ़ी बेहतर रहेगा, इसलिए अपने अनुभव के अनुसार आप निवेश का नज़रिया आज बना सकते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो अनचाहे ख्यालों को दिमाग पर आज कब्जा नहीं करने दें, इससे नकारात्मक आपकी बुद्धि हो सकती है जिसका प्रभाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। तो आज आप जितना तनाव रहित रहेंगे आपका स्वास्थ्य भी आज बेहतर रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है। शुभ रंग आपका हरा रंग है। हरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके गणेश जी का पूजन करें और 21 की मात्रा में दुर्वा यथाशक्ति उनको चढ़ाएं और उनके नाम मंत्रों का वहां बैठ करके उच्चारण करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक रहेगा। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि धन अचल संपत्ति का योग आपके लिए बन रहा है, इसलिए समय के अनुसार प्रयत्न अपना जारी रखें। माता पिता से संबंध आपके बेहतर होंगे तथा माता को लेकर भावनाएं अच्छी रहेगी। भाई बंधु इत्यादि का पूर्ण समर्थन व सहयोग प्राप्त होने की संभावना आज अधिक रहेगी। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि थकावट के पश्चात आपको पर्याप्त आराम करना अति आवश्यक रहेगा। तकनीकों में संलग्न होना होगा, लेकिन आज आप कम प्रयत्न के साथ गतिविधियों को करने में सक्षम हो पाएंगे। धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा आपके स्वास्थ्य स्तर में आज उत्तम सुधार भी हो पाएगा और आप बहुत ही मजबूत और उत्तम स्वास्थ्य का आनंद भी ले पाएंगे। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो अगर आप अविवाहित हैं तो आपके किसी रिश्ते में आने की प्रबल संभावना रहेगी, इसके लिए आपको भी अपना प्रयत्न जारी रखना होगा। आप पहले कुछ अच्छा समय बिताना चाहेंगे और फिर निर्णय लेना चाहेंगे तो यही आपके लिए उचित रहेगा। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो आपको धन हानि होने के संकेत हैं, परंतु यदि आप आर्थिक मामलों में सावधानी से कदम आगे बढ़ाएंगे तो इस परिस्थिति से बचकर आप निकल सकते हैं। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो यह समय आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता है। इस समय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है, तो इसके लिए योग व ध्यान का सहारा लें। अपने खान पान पर नियंत्रण रखें तो बेहतर रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है। शुभ रंग आपका सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और गणेश जी का पूजन करें। गुड़ घी का भोग लगा करके दुर्वा चढ़ाएं। यथाशक्ति गणेश जी के नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को शुभ परिणाम आज इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप एक साहसी तथा अनुभवी व्यक्ति हैं, इसलिए घर परिवार की स्थितियों को अनुकूल बनाए रखने में आप सफल रहेंगे। आवश्यकता के अनुसार हर तरह की नीति का उपयोग आपको करना चाहिए। किसी भी तरह घर परिवार की स्थिति बेहतर हो सके उसके लिए आपको हर संभव आज प्रयत्न करना चाहिए। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपको बहुत कुछ करने में मदद मिलेगी। जो अवसर आपके रास्ते में आ सकते हैं,
हालांकि आसपास के लोगों के बारे में बहुत सतर्क आपको रहना चाहिए, क्योंकि वे आपको हल्के में ले सकते हैं। इसके अलावा आपको उन विकल्पों के बारे में सावधान व सतर्क आज रहना चाहिए जिन्हें आप चुन सकते हैं, क्योंकि एक गलत निर्णय के कारण आपको भारी कीमत या नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज लाइव की यदि हम बात करें तो जीवन साथी आपको खूबसूरत कोई तोहफा आज दे सकता है, लेकिन भाई बहन की ओर से सहयोग पाना आज आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो यह समय कुछ दिलचस्प व्यवसायों में निवेश करने के लिए बेहतर है, क्योंकि आप इनसे भविष्य में अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, जिससे कामकाज को लेकर आपकी स्थितियां आज अनुकूल रहेगी। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आपको कोई शारीरिक पीड़ा हो सकती है, आपकी सेहत आज नाजुक रह सकती है, तो आज आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। खान पान पर विशेष ध्यान देंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है। शुभ रंग आपका लाल रंग है। लाल रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान गणेश जी को लाल वस्त्र और लाल ध्वजा अर्पण करें। यथाशक्ति उनके नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि कला संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे जो लोग हैं अपने कार्य में अधिक व्यस्त रहेंगे। हालांकि यह लोग इस समय अच्छा धन अर्जित कर पाने में कामयाब भी रहेंगे, लेकिन आमदनी में लगातार वृद्धि होती रहेगी और धन की स्थिति भी बेहतर रहेगी। खर्च भी आपका आज बढ़ सकता है, विशेष करके खर्च पर आप नियंत्रण बनाए रखें। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि संभव है कि संतान की सेहत कमजोर होने से आप परेशान रहें, और आज विद्यार्थी वर्ग को इस समय अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उनकी शिक्षा में किसी तरह का व्यवधान आज उत्पन्न हो सकता है। आपको दूर की यात्रा पर भी आज जाना पड़ सकता है। आज लाइव की यदि हम बात करें तो यदि आप किसी से स्नेह करते हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा, और परिवार में भी आज अच्छा माहौल आप व्यतीत कर पाएंगे। परिवार का माहौल आज आपके लिए खुशी का रहेगा। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो इस दौरान आपको अपने सहकर्मियों से आपकी अनबन हो सकती है। इसके अलावा कंपनी या कार्य क्षेत्र में कोई शख्स कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकता है, इसलिए आज आपको गुप्त शत्रुओं से थोड़े से सावधानी रखना होगी। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आज आपको आँखों से संबंधित कोई संक्रमण की समस्या हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। आज आपका भाग्यशाली अंक 7 है। शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। गुलाबी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान गणेश जी को गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करें। शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगा करके दुर्वा चढ़ाएं। यथाशक्ति वहां बैठ करके उनके नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप मामलों को शांत करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और यह सुनिश्चित करें कि परिवार का प्रत्येक सदस्य आपसे संतुष्ट व खुश रहे। आपके रवैये को देखकर बड़ों को प्रसन्नता व संतुष्टता आज रहेगी, और आप पर उनका आशीर्वाद भरपूर मात्रा में आज रहेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आप सफलताएँ हासिल कर पाएंगे। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि किसी अनावश्यक कार्य को करने का प्रयत्न आज नहीं करें, अन्यथा परिवार में विवाद या तनाव उत्पन्न हो सकता है। घर परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल करके किसी भी निर्णय को लेने का प्रयत्न आज आपको करना बेहतर रहेगा। माता पिता से संबंध आपके बेहतर रहेंगे तथा माता पिता का सहयोग आज आप प्राप्त कर सकेंगे। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो इस समय आप घर से दूर कहीं घूमने फिरने, खास तौर पर अन्य कार्यों के लिए या व्यापार के लिए जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन वैसे आपका अनुकूल रहने की संभावना आज ज़्यादा रहेगी। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो आपके लंबी दूरी यात्रा पर जाने के योग ज़्यादा हैं।
यह यात्रा आपके लिए शुभ साबित हो सकेगी। इस दौरान आपको अनेक अच्छे अनुभव भी प्राप्त हो पाएंगे। आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपका अच्छा मित्र भविष्य में भी बना रहेगा। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, मौसम संबंधी कोई समस्याएं हो सकती है, इसलिए खान पान पर विशेष नियंत्रण बनाए रखें तो आज आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान गणेश जी का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। उन्हें इत्र लाल चंदन चढ़ावें और लाल वस्त्र अर्पण करें और ऋतु फल का भोग लगा करके दुर्वा अर्पण करें और उनके नाम मंत्रों का वहाँ बैठ करके जाप करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदि के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए सफलतादायक रहेगा और इस क्षेत्र में विदेश या दूर जाने की संभावना है तो आपको सफलता मिल सकती है। माता जी की सेहत का लाभ आपको मिलेगा। भाई बहनों को इस समय कामयाबी मिलेगी। उनके दूर यात्रा गमन के योग भी बन सकते हैं और परिजनों को स्वास्थ्य लाभ आज प्राप्त हो पाएगा। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपको अपने घर में शांति बहाल करने और परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष को हल करने के लिए नेतृत्व आज करना होगा और ज़बरदस्ती में किया गया किसी तरह का निवेश या किसी तरह के धन का आदान प्रदान आज आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए आज आपको सावधानी पूर्वक कहीं भी निवेश करना अच्छा रहेगा। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो आज अनावश्यक बातों से आपको परहेज करना चाहिए। बेकार की बातें नहीं करें और स्नेहपूर्ण व्यवहार सभी से करें। मिलने जुलने की सभी से कोशिश करें जिससे कि आपके संबंधों में आज निखार रहेगा, संबंधों में मजबूती रहेगी। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो व्यापारी वर्ग को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए हर तरह के लेन देन में आज आपको सावधानी रखना बेहतर होगा। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो जीवन साथी की सेहत में आज थोड़ी सी कमी आ सकती है, इसलिए आज उनकी सेहत का विशेष आप ध्यान रखें तो बेहतर होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है। शुभ रंग आपका हरा रंग है। हरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान गणेश जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएँ और ऋतु फल का भोग लगाएँ और उनके नाम मंत्रों का यथाशक्ति वहां उच्चारण करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आर्थिक तौर पर फायदा आपको मिल पाएगा। अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समझ, जिंदगी में खुशी आपको आएगी, सुकून और समृद्धि आपके लिए रहेगी। अपने मित्र से बहुत लंबे समय के बाद मिलने का ख्याल आपके दिल की धड़कन को आज बढ़ा सकता है। कोई नए मित्र से आपकी मुलाकात आज हो सकती है। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि पैतृक संपत्ति को लेकर परिजनों के बीच मनमुटाव हो सकता है, परंतु यह परिस्थिति थोड़े समय के लिए ही रहेगी, बाद में सब कुछ आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। आज आपके पिता को नौकरी में पदोन्नति प्राप्त होने के योग हैं या पिता को कहीं से सम्मान प्राप्ति के योग आज बन रहे हैं। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो इस समय आप जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें तो बेहतर रहेगा। आप दोनों के बीच तालमेल वैसे बना रहेगा। हालांकि इस बीच आज आपको स्नेह वाली नोकझोंक देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए आज का दिन काफ़ी बेहतर है। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो इस समय आपका जो व्यवहार है थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, जिससे आप ज़्यादा क्रोध में रहेंगे और साझेदार से भी आज आपका विवाद होना संभावित है, इसलिए अपने क्रोध पर आज नियंत्रण रखें तो आज आपके लिए व्यवसाय की दृष्टि से बेहतर रहेगा। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आज उत्तम भोजन का प्रयोग करें, पौष्टिक आहार लें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात
भगवान गणेश जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके गणेश जी का पूजन करें और बीज मंत्र के द्वारा 21 दुर्वा उनको अर्पण करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि पारिवारिक जीवन आपका बेहतर रहेगा। परिवार में एक दूसरे के बीच तालमेल और एकजुटता आपको देखने को मिलेगी। किसी प्रकार की खुशखबरी घर की खुशियों को और भी रोशन करेगी और इस समय पैतृक संपत्ति में वृद्धि की प्रबल संभावना आपके लिए रहेगी। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज बच्चों की सेहत को लेकर आपको तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस दौरान उनकी सेहत में कमी आ सकती है। बच्चों के स्वभाव में परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। वे इस समय चिड़चिड़े स्वभाव के हो सकते हैं और किसी चीज़ को लेकर वे आपसे किसी प्रकार की जिद कर सकते हैं, तो इस दौरान उन्हें प्रेम से समझाएं तो बेहतर रहेगा। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो इस समय आपको अपने प्रिय व्यक्ति से मिलने का भरपूर अवसर मिलेगा। इस समय किसी के साथ नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। ऑफिस या कार्यक्षेत्र या कॉलेज में कोई भी व्यक्ति आपके दिल को आज अच्छा लग सकता है। कोई नया मित्र आपका बन सकता है। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो व्यापार में पार्टनरशिप पर भरोसा अवश्य जताएं। आज के दिन आप कोई नया वाहन आदि खरीदने का मन बना सकते हैं और लोहे से संबंधित कारोबार में आज आपको मुनाफा मिलने की अधिक संभावना रहेगी। वहीं आज कृषि के कार्य में आशानुरूप परिणाम मिलना थोड़ा सा मुश्किल आज आपके लिए रहेगा। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आपको अपनी सेहत पर आज ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। विशेष करके खान पान पर नियंत्रण रखें तो आपका स्वास्थ्य आज बेहतर रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 2 है। शुभ रंग आपका बादामी रंग है। बादामी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और गणेश जी महाराज का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। उन्हें शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगा करके यथाशक्ति उनके नाम मंत्रों का वहां बैठ करके जाप करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है धनु। तो धनु राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप नए घर आदि का निर्माण करवा सकते हैं अथवा नया घर खरीदने के बारे में विचार कर सकते हैं। आप अपने परिजनों के साथ दूर यात्रा पर जा सकते हैं। आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी मधुर और सुखद रहेगा। हालांकि जीवन साथी के साथ छोटे छोटे विवाद आपके होते रहेंगे, परंतु उनका असर बहुत ही कम रहेगा और परिस्थितियों को काबू करने में आज आप सफल भी रहेंगे और परिवार में आज तालमेल अच्छा बना रहेगा। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि अच्छे नतीजे प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना होगी और कड़ी मेहनत जितनी आप अधिक करेंगे उतना ही आज आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ साथ आज वैसे आपका धन खर्च भी अधिक होगा, तो आज आपको विशेष करके खर्च पर नियंत्रण रखना होगा तो बेहतर रहेगा। आज लाइफ की हम बात करें तो अपने प्रिय व्यक्ति के साथ आप किसी सुहावने सफर में जा सकते हैं। वहीं जिन जातकों को सच्चे प्रेम की तलाश है उनकी तलाश आज पूरी हो पाएगी। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आज का दिन यात्रा करने के लिए बेहतर अच्छा है। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप डिजिटल माध्यम अपनाएंगे तो बेहतर रहेगा और धन संपत्ति को लेकर थोड़े से आपको सतर्क आज रहना चाहिए। यदि शेयर मार्केट में आप निवेश करना चाहते हैं तो आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ या अनुभवी लोगों से राय लेकर के आप वहां शेयर कर सकते हैं या निवेश कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो इस समय आपकी सेहत पर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है जिससे मानसिक तनाव हो सकता है, तो आज आप स्वयं को तनाव मुक्त रखने का प्रयत्न करें। योग ध्यान का विशेष करके सहारा लें तो आपका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 1 है। शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। गुलाबी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान गणेश जी का पूजन करें। उन्हें पान, ऋतुफल और आंकड़े के पुष्प की माला अर्पण करें। वहां बैठ करके यथाशक्ति उनके नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि अपने मन को स्थित बनाए रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा आज आपको लेना चाहिए।
आज इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा के क्षेत्र में जाने वाले विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का समय खास सफलतादायक हो सकता है। इसलिए आज आप जमकर मेहनत करें, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। किस्मत का साथ आपको मिल पाएगा। अच्छे कार्यों में जीवन साथी का सदैव समर्थन भी आज आपको मिल पाएगा। आज अशुभ परिणाम आपको इस प्रकार से मिल सकते हैं कि यह जो समय है आपके पिताजी की सेहत के लिए अच्छा खासा आज नहीं रहेगा। आपके घर परिवार में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस समय अपना काम ध्यान देकर के करें, एकाग्र मन से काम करें तो बेहतर रहेगा। अन्यथा कई योजनाएं आपके अभाव में, एकाग्रता के अभाव में टल भी सकती है। इसलिए आज आपको धैर्यपूर्वक अपने विवेक से काम करना चाहिए तो बेहतर होगा। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो आज प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह समय बढ़िया रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रेमी का जो व्यवहार है आपके प्रेम संबंध में मिठास घोलने का काम करेगा। हालांकि इस दौरान आपका मन प्रेम से लिप्त रहेगा। आज परिवार में भी तालमेल आज आपका बेहतर बना रहेगा, इससे आपको खुशी मिलेगी। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो इस समय में आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। अतः समय व परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने का प्रयत्न अवश्य करें। अपने धन की रक्षा आप स्वयं करें तथा कामकाज के प्रति आज जागरूक व सक्रिय बने रहें तो बेहतर रहेगा। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो दिनचर्या में योग व ध्यान का सहारा यदि आप लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य आज बेहतर रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 8 है। शुभ रंग आपका नीला रंग है। नीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी का श्रद्धापूर्वक पूजन करें, उन्हें गुड़ और घी का भोग लगाएं, ऋतु फल चढ़ाएं और दुर्वा अर्पण करें। यथाशक्ति गणेश जी के नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आर्थिक जीवन के मामले में स्थितियां काफ़ी आपके लिए अनुकूल रहेगी। इस समय आप किसी अच्छे क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिससे अर्थ लाभ के लिए आज अच्छा अवसर भी प्राप्त आपको हो सकेगा। उसका भविष्य में भी आपको काफ़ी लाभ मिल पाएगा। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि अपने कार्य क्षेत्र और कैरियर के क्षेत्रों को चुनते समय आप बहुत सतर्क और सावधान रहें। इस समय विलासिता की वस्तुओं पर खर्च आप नहीं करें, अन्यथा यह आपको बहुत ही हानि या नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि बाद में चीज़ें वापस सामान्य हो जाएगी। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो आप अपने प्रेमी व्यक्ति के साथ अपने भविष्य को सुधारने के लिए इस समय कोई अहम फैसला ले सकते हैं। तो इस दौरान आप किसी यात्रा पर साथ जाने का प्लान भी बना सकते हैं, जिससे आपका यह रिश्ता और भी मजबूत रहेगा। आज परिवार में भी काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो जिस जगह पर निवेश करना चाहते हैं उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी हासिल कर लें, उसके पश्चात निवेश करें। और किसी के झांसे या बहकावे में आने से आज आपको बचना चाहिए। या सोची समझी रणनीति के तहत आज आप कार्य कर सकते हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आज आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ही ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य को लेकर बरती गई लापरवाही आज आपको महंगी पड़ सकती है। और अपने फिटनेस को लेकर समस्या न आए इसके लिए आज आपको योग व ध्यान का सहारा लेना चाहिए तो आपका स्वास्थ्य आज बेहतर रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है। शुभ रंग आपका आसमानी रंग है। आसमानी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके और भगवान गणेश जी को लाल ध्वजा, लाल वस्त्र, लाल ऋतुफल और दुर्वा चढ़ाएं। यथाशक्ति गणेश जी के नाम मंत्रों का वहां बैठ करके उच्चारण करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक रहेगा। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि इस समय आपका आर्थिक जीवन वैसे सामान्य से बेहतर हो जाएगा। निवेश में आज आपको मुनाफा मिल सकता है। घर में पैतृक संपत्ति में वृद्धि के योग हैं। यदि संपत्ति को लेकर अदालत में कोई विवाद या केस चल रहा है तो उसका फैसला आपके हक में हो सकता है। या कहीं भी आपका विवाद चल रहा है तो आज आपको सफलता के योग रहेंगे। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परंतु आपके खर्चों में वृद्धि की संभावना रहेगी। यदि आपने बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण नहीं किया तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए विशेष करके आज खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें।
आज लाइफ की यदि हम बात करें तो इस समय आपके संबंधों को लेकर मन आपका वैसे प्रसन्न चित्त व संतुष्ट रहेगा और आप अपने प्रेमी प्रेमिका से सदैव प्रसन्न मुद्रा में रह सकते हैं। आज घर में भी सामंजस्य काफ़ी अच्छा रहेगा जिससे आपको संतुष्टि मिल पाएगी। आज व्यवसाय की दृष्टि से दिन इस प्रकार से रहेगा कि कार्य क्षेत्र में आपके सफल प्रयास आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में कारगर रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की खरीदारी में आज आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है जो आपके लिए उत्तम रहेगा। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर सामान्य चिंताएं आपको हो सकती है, हालांकि इसके अलावा किसी तरह की कोई गंभीर समस्या उत्पन्न होने की संभावना आज आपको नहीं रहेगी, परंतु छोटी छोटी समस्याएँ आज आपको परेशान कर सकती है। तो आज विशेष करके अपने खान पान पर नियंत्रण रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य काफ़ी उत्तम रहेगा। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका पीला रंग है। पीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके श्रद्धापूर्वक गणेश जी का पूजन करें और भगवान गणेश जी के मंदिर में अनाज व फल और इत्र का दान करें। यथाशक्ति वहां बैठ करके गणेश जी के नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक रहेगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह दैनिक राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।